नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप सभी दर्शकों का स्वागत है एएनजी न्यूज पर। एएनजी न्यूज के खास कार्यक्रम कसौटी में आज आपके सामने हैं कासगंज जिले के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता प्रोफेसर नीरज मिश्रा। जी हाँ, वही प्रोफेसर नीरज मिश्रा जो आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका एएनजी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप सभी को हमारे यह सब खास कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो आप हमें लाइक करें, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को आप यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारा पेज लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट करें। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल यही है कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें और शैक्षिक क्षेत्र से लेकर सियासत तक का सफर आपका किस तरीके का रहा और जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव कैसे रहे? वर्ष 1988 में मैं गजनवारा डिग्री कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुआ। 1991 में मैंने रामवीर उपाध्याय के मार्गदर्शन में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, मायावती जी के नेतृत्व में काम किया और काफी लंबे समय तक पार्टी में काम करने के बाद 2007 में सकीट विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। बहुत कम मामूली अंतर से मैं चुनाव हार गया। चुनाव हारने का मलाल रहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने मुझे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में वर्ष 2007 अगस्त में सदस्य के पद पर नामित किया और मैंने अपना पूरा 1-2 वर्ष का कार्यकाल वहां पूरा किया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काफी समय तक कार्य किया, लेकिन राजनीतिक रूप से टिकट न मिलने की वजह से अगले चुनाव में मैंने बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ लिया और 2017 में मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना शुरू किया राजनीतिक जीवन। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में मैंने पार्टी ज्वाइन की और उनके नेतृत्व में मैं आज काम कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के संगठन में जिला उपाध्यक्ष के पद पर हूँ इस समय और पार्टी की नीतियों और निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, क्या ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में नैतिकता का ग्राफ गिर रहा है और छल कपट झूठ का ग्राफ ऊपर जा रहा है? इसे रोकने के लिए किन उपायों की जरूरत है? देखिए, नैतिकता का ग्राफ गिर रहा है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लंबे समय तक राजनीति में अगर जिंदा रहना है, लंबे समय तक अगर राजनीति में लोगों की पसंद बने रहना है, तो आपको ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करना पड़ेगा। छल कपट से आप कुछ समय के लिए सत्ता हासिल कर सकते हैं, कोई पद हासिल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इतिहास में आपको तभी सम्मान मिलेगा जब आप निष्ठा और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी समान शिक्षा की व्यवस्था का न होना, आर्थिक रूप से कमजोर बहुसंख्यकों के प्रति अन्याय नहीं है क्या? आदित्य जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से शिक्षा में बहुत अभी खामियां हैं, काफी काम करने की गुंजाइश है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि जब तक पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति नहीं बनेगी, तब तक शिक्षा में जो खामियां हैं, जो शिक्षा में दूरियां हैं, वो बनी रहेंगी। चूंकि एक तरफ कॉन्वेंट सिस्टम बना हुआ है, बड़े पूंजीपति लोगों के अधिकारियों के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और गरीबों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, उसमें निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, शिक्षकों का चयन भी जो है काफी मुश्किल भरा है, जिसे हम ये मानते हैं कि जब तक देश में एक समान रूप शिक्षा प्रणाली लागू नहीं होगी, तब तक शिक्षा में कमियां बनी रहेंगी। मैं मानता हूं कि गरीब लोगों के लिए आज भी उच्च शिक्षा हासिल करना एक मुश्किल कार्य है। प्रोफेसर साहब, एटा कासगंज की यदि हम बात करें तो एटा कासगंज के पिछड़ेपन का क्या कारण है? एटा कासगंज ने कई जाने माने नेता दिए, किंतु नेताओं ने एटा कासगंज को क्या दिया? देखिए, एटा कासगंज के पिछड़ेपन का कारण तो कई बिंदु हैं जिन पर हम ये कह सकते हैं कि पिछड़ेपन के कारण तत्व
तमाम है, कोई एक ऐसा कारण नहीं है पिछड़ेपन का। सरकार इसमें दोषी है, सरकार जो बनी उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी की। देखिए समाजवादी पार्टी सरकार आई, एटा और कासगंज में विकास हुआ, सड़कों का जाल बिछा, हाईवे बने, पुल बने, विद्यालय बने, तमाम काम हुए हैं। तो सरकार जो उत्तर प्रदेश में रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 वर्षों में कोई काम नहीं हो रहा है, विकास के नाम पर शून्य है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। तो विकास तब होगा जब पहले हम लोग राजनीतिक स्थिरता हासिल करें। हम लोगों ने राजनीतिक स्थिरता हासिल नहीं की अभी तक। निश्चित तौर पर सरकार दोषी है एटा कासगंज के विकास न होने में। सरकार का दायित्व बनता है कि वो इन क्षेत्र का विकास करे। क्या आप स्वीकार करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी विकास कार्य नहीं कराया एटा और कासगंज में? नहीं, समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास कराया एटा और कासगंज नहीं, पूरे प्रदेश में देखिएगा आदित्य जी, विकास की गंगा बही। और विकास तो बोलता है भाई, अखिलेश जी के नेतृत्व में 5 वर्ष जो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा, निश्चित तौर पर और देशों के लिए मॉडल है। और देश के की सरकारें अखिलेश मॉडल को अपने यहां लागू करने की योजना बनाती हैं। अखिलेश जी के विकास के बारे में आप 108 हाईवे, स्कूल, 100 नंबर, ये सब व्यवस्थाएं अखिलेश जी की व्यवस्था है। उनकी एटा कासगंज की बात करें तो आज भी आपसे ये बात अछूती नहीं है कि एटा कासगंज की सड़कों में आज गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, यही समझ नहीं आता। आदित्य जी, समाजवादी सरकार में आप ब्यौरा उठा के देख लीजिएगा, रिकॉर्ड बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं कि पूरे दोनों जनपदों में सड़कों का जाल बिछा, पुलों का निर्माण हुआ। तो वो जाल कहां गया? जाल है लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं। अब सरकार बदलने के बाद देखिए, रख रखाव की जिम्मेदारी आगामी सरकार की है। अखिलेश जी ने जो सड़कें बनवाई, जो निर्माण कराया, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आगामी सरकार की है। आगामी सरकार अपने बजट को उन रख रखाव पर खर्च नहीं कर रही है, सरकार बजट को कहीं और खर्च कर रही है। आज तो आपने लक्ष्यधार बात कर दी, चलिए अगला पॉइंट उठाते हैं। सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात कर रही है, किंतु फसलों, सब्जियों और दूध के दाम लगातार गिर रहे हैं। रही सही कसर आवारा पशु पूरी किए दे रहे हैं। कैसे सुधरेगी किसान की माली हालत? क्या सोचते हैं प्रोफेसर नीरज मिश्रा इस पॉइंट पर? आदित्य जी, मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रदेश और देश की सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों के बारे में सरकार ने, न केंद्रीय सरकार ने, न राज्य सरकार ने किसी प्रकार की कोई किसान के कल्याण की योजना घोषित की है। किसान के बारे में जो तेल है, खाद है, महंगे हो रहे हैं, बीज महंगे हो रहे हैं, किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही है, किसानों की जो फसल है वो आवारा पशु, आवारा गाय निस्तनाबूद किए दे रहे हैं। किसान बेचारा झोपड़ी डालकर खेत में बैठकर अपनी फसल की रखवाली कर रहा है, गाय के नाम पर झुंड आ रहे हैं और वो झुंड खड़ी फसलों को खाई जा रही है। निश्चित तौर पर आवारा पशु देश की, प्रदेश की समस्या है। सरकार को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए। अगर गाय भावनात्मक मुद्दा है तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार इन गायों की व्यवस्था करे, इनके रहने के लिए इनके खाने का इंतजाम करे, न कि किसानों की खड़ी फसल खिलाकर किसानों का नुकसान करे। पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का एनपीए चुपके से माफ कर दिया जाता है, किंतु किसान के कर्जे माफ किए जाने पर सवाल उठने लगते हैं, ऐसा क्यों? मैंने पहले भी आपसे कहा कि सरकार किसान विरोधी है, पूंजीपतियों की सरकार है। भाई जब भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है तो उसका काम है पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। एनपीए माफ कर रही है अंबानी को, अडानी को। देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपके प्रश्न से इतर, कि जियो के रोल मॉडल बने हैं नरेंद्र मोदी जी। जियो के विज्ञापन में आपने मोदी जी को देखा है? क्या पूरे विश्व में कभी प्रधानमंत्री को आपने किसी का मॉडल बनते हुए देखा है? ये केवल भारत में है। तो मोदी जी का अंबानी प्रेम जग जाहिर है। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना उनकी मंशा है और जो उनकी मंशा है वही वो कर रहे हैं। किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, किसानों के कल्याण के बारे में उनकी कोई सोच नहीं है। वो पूंजीपतियों के उद्धार के लिए आए हैं और वो अपने काम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने अभी एक बात कही कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, लेकिन हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो योगी जी ने 1 लाख रुपए तक किसानों का माफ किया, क्या कहेंगे आप?
योगी जी ने जो मकड़ जाल बनाया है किसानों के कर्जा माफी के बारे में, मैंने तो ये देखा कभी कभी कुछ किसान आए उन्होंने कहा हमारा 25 पैसा माफ हुआ है, कुछ किसानों ने कहा कि हमारे 250 रुपए माफ हुए हैं। ये केवल एक आंकड़ों का मकड़ जाल है। आदित्य जी कर्जा माफ करने की उनकी कोई मंशा नहीं है, किसान के कल्याण के बारे में उनकी कोई योजना नहीं है। देखिए अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी 2 लाख तक के कर्जा माफ करने की। अगर सरकार की, योगी सरकार की इच्छा शक्ति है तो वो आगे आए, किसानों का कर्जा माफ करें, घोषणा करें और लागू करें। लेकिन ऐसा नहीं है, वो किसानों के कर्जा माफ करने का एक सपना दिखा रहे हैं लोगों को, उनकी मंशा किसानों के कल्याण की कतई नहीं। किसानों के कर्जे माफ पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में यही चर्चा हो रही है। कि आप खुद एक प्रोफेसर हैं, आपको ये नहीं लगता कि किसानों का कर्जा माफ करना ये सॉल्यूशन नहीं है? ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि किसान की आय दुगनी हो जाए। किसान लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, वो उसकी आय में वृद्धि हो, क्या कहेंगे आप? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो किसान कर्जे की वजह से अपना उसका आय और व्यय का जो सिस्टम है वो जब गड़बड़ा जाएगा, जब किसान कर्जे में डूबा रहेगा, कर्जे का ब्याज देता रहेगा, तो वो अपने जीवन स्तर को सुधारने की योजना कैसे बना पाएगा? सबसे पहले देखिए, किसान खुदकशी कर रहा है, किसान मर रहा है कर्जे की वजह से, तो कम से कम आप उसे जीने का अधिकार तो दें। कर्जा माफी इसलिए जरूरी है कि कुछ किसान उस कर्जे की वापसी करने में पूरी तरह से अक्षम है। जब वो कर्जा वापस नहीं कर सकते तो फिर आप उनसे विकास की बात कैसे कर सकते? सबसे पहले आप उनका कर्जा माफ करें, फिर ऐसी एक राष्ट्रीय किसान नीति बननी चाहिए जिससे किसानों को उचित मूल्य मिले उनके उत्पादन का। जीएसटी और नोटबंदी पर प्रोफेसर नीरज मिश्रा के क्या विचार है? जीएसटी भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जल्दबाजी में लाया गया निर्णय है। जीएसटी लागू करने में पता नहीं मोदी जी को क्यों जल्दी था इतना कि वो उन्होंने पूरी तरह से तैयारी किए हुए, बिना पूरी एक्सरसाइज किए हुए जीएसटी लागू कर दी। और जीएसटी की दरें जो है बहुत ऊंची है, इतनी दरें पूरे विश्व में, इस दर पर जीएसटी पूरे विश्व में कहीं लागू नहीं। कल कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटाई गई, चुनावी स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या होता है। नोटबंदी उनका एक पता नहीं कौन सा ऐसा निर्णय था नोटबंदी का, क्यों उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। नोटबंदी के बारे में रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर हैं उन्होंने भी टिप्पणी की है, पूरे विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नोटबंदी एक गलत निर्णय था। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी मानते हैं कि नोटबंदी एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, नोटबंदी से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ, आज तक काला धन कितना वापस आया आज तक सरकार बताने में सक्षम नहीं हुई। तो नोटबंदी और जीएसटी दोनों में सरकार पूरी तरह से विफल है। अगला सवाल, गुंडा राज का नारा सत्ता परिवर्तन का कारण बना, किंतु हालात तो और ज्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, गुंडा राज निश्चित तौर पर इस समय बढ़ा है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार धार्मिक उन्माद को फैलाने में प्रयासरत है। लोकसभा के चुनाव सर पर है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अभी आगरा में एक दलित लड़की है, सरेआम दिन में उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है और वो जलती रहती है। शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को कि अब इस समाज में, सभ्य समाज में इन घटनाओं का दोहराना निश्चित तौर पर एक कबीलाई युग की याद दिलाता है। अभी बुलंदशहर की घटना देखिए, शर्म होने वाली घटना है, इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। अभी लखनऊ में एक गूगल के बड़े अधिकारी को पुलिस वालों ने गोली से मार दिया, एप्पल के बड़े अधिकारी को, तिवारी, विवेक तिवारी थे शायद उनका नाम, मैं याद कर रहा हूं, उनकी हत्या हो गई और पुलिस वालों ने उन्हें गोलियों से मार दिया। तो देश में, प्रदेश में इस समय गुंडा राज फैला हुआ है, लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब तक पूरे देश में धार्मिक सहिष्णुता नहीं आएगी, धार्मिक संभाव नहीं बनेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा प्रेम नहीं बनेगा, तब तक देश में कानून व्यवस्था की बात करना बेमानी है। मेरा आपसे अगला सवाल, राजनीति और लोकतंत्र संविधान से चलेगा,
अथवा भावनात्मक मुद्दों से किसी भी राजनीतिक दल को धर्म विशेष की पैरवी करने की अनुमति क्या हमारा संविधान देता है? बिल्कुल स्पष्ट है कि देश संविधान से चलेगा, धर्म बाद में, संविधान पहले। हमारा देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी धर्म को यहाँ पर अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर रखने का अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में व्यवस्था है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में निश्चित तौर पर हर धर्म को समान सम्मान है, हर धर्म को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन याद रखिएगा, हमारा संविधान में व्यवस्था है कि आप जब एक धर्म की बात करें तो आपको याद रखना चाहिए कि दूसरे धर्म को किसी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हम संविधान से चलेंगे, हमारा देश संविधान से चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बातों को ऐसे उकसा के पेश करते हैं, लोगों की धार्मिक भावनाओं को उन्माद के रूप में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़ें। धार्मिक भावनाएं जब भड़केंगी तो देश दो भागों में बटेगा और बहुसंख्यक लोग उन्हें वोट करेंगे। ये सोच रहती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। मेरा आपसे अगला सवाल, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप पहले पूर्व में बीएसपी में रह चुके हैं और वर्तमान में आप समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। आदित्य जी, हमारा नजरिया न पूछिए, भारतीय जनता पार्टी वालों का नजरिया पूछिए। जिस दिन से इस गठबंधन की घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नींद की गोली खाकर सो रहे हैं, नींद उड़ गई है उनकी। ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में 70 सीटें जीत कर आएगा और उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति की इबारत लिखी जाती है। तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया सुनिश्चित है। मेरा आपसे अगला सवाल, 2019 और 2022 को देखते हुए आपकी क्या योजना और क्या तैयारी है? देखिए, 2019 में समाजवादी पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के द्वारा जो अधिकृत प्रत्याशी उतारा जाएगा, पूरे तन मन धन से उसे जिताने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि एटा लोकसभा क्षेत्र से इस गठबंधन का प्रत्याशी जीत कर जाए और 2022 में विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो आदेश करेंगे, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में मैं उन आदेशों का पालन करूंगा। पूर्व में आप विधानसभा का चुनाव लड़े, बहुत कम मतों से आप चुनाव हार गए, तो क्या 2022 पर आपकी नजर है? पार्टी के मुखिया का निर्देश शर्मा थे, जो पार्टी का मुखिया निर्देश करेंगे वो चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तैयार है, और वो संगठन का कोई काम देंगे, संगठन का काम करेंगे, पार्टी की नीतियों का काम करेंगे, पार्टी के अध्यक्ष के आदेश का पालन करेंगे। ये तो उन्होंने आपको मौका दिया, तो कौन सी विधानसभा से दावा ठोकेंगे? ये भी तय वो करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि हम कहां के लिए ठीक प्रत्याशी रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। फिलहाल 2019 पर भी नजर है क्या नीरज मिश्रा की? नहीं नहीं, 2019 के बारे में कोई विचार नहीं है। 2019 के बारे में केवल एक ही विचार है कि लोकसभा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी या गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीते, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तोहफा दें, अपना सांसद जिताकर, बस 2019 में पार्टी को जिताने की मंशा है। मतलब ये है कि 2019 में आप एक कार्यकर्ता की तरह कार्य करेंगे और 2022 पर प्रोफेसर नीरज मिश्रा की नजर बनी हुई है। एक कार्यकर्ता तो है, 2019 में भी कार्यकर्ता है और 2022 में भी कार्यकर्ता रहेंगे, और कार्यकर्ता को ही हमारी पार्टी के अध्यक्ष लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा अध्यक्ष जी आदेश करेंगे, जो जिस लायक हमें समझेंगे वो हमें देंगे, और जो वो देंगे उसे शर्माते ग्रहण करेंगे। चलिए, फिलहाल नीरज मिश्रा की नजर 2022 पर बनी हुई है। जाते जाते हमारे कार्यक्रम एएनजी न्यूज कसौटी के लिए आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा आदित्य भाई, आपकी एएनजी की प्रशंसा चारों तरफ है, बहुत गंभीरता से लोग लेते हैं, और राजनीतिक विद्वान जो है, राजनीतिक कूटनीतिक लोग जो है, वो भी आपकी एएनजी को बहुत तवज्जो देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां हमारी एएनजी को और आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नीरज मिश्रा जी, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
जाने से पहले मेरा सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि आपको हमारे खास कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो आप हमें लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट कमेंट करें और सारे कमेंट्स हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं। आपके जितने भी सुझाव आते हैं हम उन पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। तो ये थे कासगंज जिले से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता प्रोफेसर नीरज मिश्रा, जिन्होंने अपनी बेबाक राय हमारे कार्यक्रम एएनजी न्यूज कसौटी में रखी। अगले कार्यक्रम में आपको रूबरू कराएंगे एक और शख्सियत से। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।